नमस्कार दोस्तों, पेट पूजा रेसिपीज में मैं पूजा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बना रहे हैं पास्ता इन पिंक सॉस। ये इटालियन वाइट सॉस और इंडियन रेड सॉस का फ्यूज़न है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी के नीचे वाला लाल बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नई रेसिपीज़ को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब का लाल बटन दबाएं और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। इसके लिए हमें चाहिए मैदा, दूध, ये फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल किया है, नमक, प्याज, हरी मिर्च, कुटा हुआ लहसुन और चीज़, पेने पास्ता, मिक्स हर्ब्स, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस या टमेटो सॉस। सबसे पहले हम एक भगोने में पानी गर्म करेंगे। ये पानी अच्छे से बॉईल हो जाना चाहिए, वरना हमारी पास्ता ट्यूब्स इसमें घुल जाएंगी। अब हमने हमारा पेने पास्ता इसमें ऐड कर दिया है, इसे हमें बॉईल करना है। ये हमारा पास्ता बॉईल हो रहा है, इसमें हम आधा चम्मच नमक डाल देंगे। इसमें मैं पेने पास्ता यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो कोई भी पास्ता ले सकते हैं। अब हम एक बटर को एक पैन में गर्म कर रहे हैं। ये बटर जले नहीं, इसके लिए मैंने इसमें आधा चम्मच तेल डाला है। ये बटर गर्म हो गया है। अब हम इसमें बारीक कटे हुए प्याज ऐड कर देंगे। इन प्याज को हमें ट्रांसपेरेंट होने तक भूनना है, इन्हें ब्राउन नहीं करना है। सिर्फ प्याज हल्के से सॉफ्ट हो जाए, हम इतना ही इन्हें भूनेंगे। जब हमारे प्याज सॉटे हो रहे हैं, उसी समय हम इसमें कुटा हुआ लहसुन भी ऐड कर रहे हैं। इस लहसुन को भी हमें इसे मिला के सॉटे करना है कि इसका कच्चापन चला जाए और इसका फ्लेवर बटर में अच्छे से आ जाए। ये देखिए, हमारे प्याज और लहसुन अच्छे से सॉटे हो गए हैं। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच मैदा ऐड कर रहे हैं। मैदा को इसमें हिलाते हुए हमें सिर्फ इतना भूनना है कि मैदा का कच्चापन चला जाए, पर मैदा का कलर ना बदले। हमें इसके कलर को ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि हम वाइट सॉस बना रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। बिल्कुल, ये देखिए, ऐसी मैदा हमें भून लेनी है, ये कच्ची भी नहीं है और इसका कलर भी नहीं बदला है। अब हम इसमें 1 बड़ी कटोरी दूध ऐड कर रहे हैं, इससे हमारे वाइट सॉस को क्रीमी टेक्सचर मिलेगा। ये देखिए, वाइट सॉस गाढ़ा हो रहा है। इसमें आधा चम्मच नमक हम इसमें डाल देंगे और इसे हिलाते हुए गाढ़ा करेंगे। इसके साथ ही हम इसमें डाल रहे हैं चीज़। इसको हाथ से ऐसे ही क्रम्बल करके डाल देंगे, क्योंकि ये इसमें मेल्ट हो जाएगा। ये देखिए, बहुत ही अच्छी रनिंग कंसिस्टेंसी हमारे वाइट सॉस की बनी है। अब हम इसमें आधा चम्मच मिक्स्ड हर्ब्स ऐड कर रहे हैं। उसी के साथ हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच चिली फ्लेक्स। ये ऑप्शनल है, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो चिली फ्लेक्स ना डालें, क्योंकि हम इसमें बाद में पिज़्ज़ा पास्ता सॉस डालेंगे। अब ये हमारे पेने पास्ता बॉईल हो चुके हैं। देखिए, बिल्कुल अल दांते कंसिस्टेंसी है, ये हल्का सा दांतों में चिपकते हैं चबाते हुए। इसको हम अच्छे से हमारे वाइट सॉस में मिला के टॉस कर देंगे कि पास्ता पे वाइट सॉस अच्छे से कोट हो जाए और इसकी ट्यूब्स में वाइट सॉस पूरी तरह से भर जाना चाहिए। ये देखिए, इसी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे 4 बड़े चम्मच पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह टमेटो सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। उसको भी अच्छे से हिलाते मिलाते हुए हम इसमें मिक्स कर लेंगे, इससे पास्ता में बहुत ही टैंगी टेस्ट आता है। अब हम इसमें हरी मिर्च डाल रहे हैं। ये देखिए, हमारा पास्ता बनके बिल्कुल रेडी है। बहुत ही क्रीमी और बिल्कुल पिंक कलर का, पिंक सॉस वाला पास्ता है। अब हम इसे एक सर्विंग प्लेटर में निकालेंगे और इसी तरह से गर्मा गर्म ब्रेड के साथ सर्व करेंगे। हमारे क्रीमी पास्ता को मैंने कैप्सिकम जूलियन से गार्निश किया है। ये देखिए, हमारा पास्ता बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे का लाल सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं।